बढ़िया है। सो गाइस अभी मम्मी बढ़िया है। सो गाइस अभी मम्मी को जा रहे हैं दिखाने वीडियो रिपोर्ट जो भी है, और उसके बाद से देखते हैं मम्मी का रिएक्शन क्या होता है। नहीं अभी मम्मा कट करेगी। छुपा के, छुपा के। मम्मी देखिए ना क्या लगता है, आपको रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? क्लॉट है ब्लड में, कान में चादर फट गया, दिख रहा है यही छेद, इधर बाल है। पहले दिखाइए नॉर्मल काम का, नॉर्मल काम कैसा ऐसा है। इनका नहीं दिख रहा है खून, तो बोला है कि केस कर दो सर। हम बोले केस से जो भी रहा था, डॉक्टर बोला है कि चांस कम है कि खुद से रिकवर हो। 15 दिन इंतज़ार करूँ, लेकिन 3% 2% चांस है कि रिकवर होगा, उसको ऑपरेट करूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या करना है। मम्मी का मुंह उतर गया था और मैं भी डिस्कस कर रही थी कि ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें हुआ था वहाँ पे, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि अब क्या करना है आपको, मतलब कब तक रहने का प्लान है ये वो। मम्मी बोली कि वो सब ठीक है, एक बार पापा से बात कर लो क्या होता है क्या नहीं। और मम्मी जिस टाइम मैं ये बताई थी ना, मतलब मैं तो नॉर्मली बात की थी तो घर पर बता दी थी, लेकिन सब लोग गुस्सा हो रहे थे कि नहीं बताना चाहिए। बट अब लग रहा है कि अच्छा किए कि हम घर पे बता दिए, और एटलीस्ट घर से कुछ लोग तो आ गए थे जो कि मतलब ये सब संभाल सकता है। अभी एक जन अगर घर पे भी रहेंगे तो हो सकता है। और अभी फ़िलहाल आज मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेशन के लिए हम लोग जाएंगे, यानी आज आप लोग व्लॉग देख रहे हैं और आज ही जाएंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या होता, अभी कुछ टेस्ट सैंपल होगा उसके बाद से होगा। तो घर पर बात किए पापा से, और पापा ने भी बोला कि एक दो डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, उसके बाद से ऑपरेशन का देखेंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ऑपरेशन करा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पापा किसी से पूछे तो बोला कि ज़्यादा देर नहीं रुकने के लिए, क्लॉटिंग और ज़्यादा ही वो परेशान करेगा, वो ठीक नहीं होगा अगर जम गया है। तो यहीं पे पापा से डिस्कस कर रहे थे कि पापा मम्मी का क्या है, तो पापा बोले कि नहीं जब तक वो प्लान है ऑपरेशन वगैरह नहीं हो जाए, अच्छे से नहीं हो जाए, मम्मी रहेंगी। मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। उसके बाद से वही बात किए थे, और फिर आगे जो चीज़ें भी हुई हैं वो आपके साथ शेयर होगी, जैसे कि घर से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर हम लोगों को ये हो रहा है ना कि ज़्यादा लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर परेशानी होने लगेगी, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह में भी अलाउड नहीं होता है, और ऑपरेशन होगा तो एक दो दिन के लिए एडमिट तो होना ही पड़ेगा। तो देखते हैं जो भी जैसा होगा आपके साथ शेयर करेंगे। पूछे ऑपरेशन का है तो बोला हाँ है। हाँ इसी में होगा, घर के पास भी है ना,
घर के पास कभी मतलब है तो है कहीं कराना पता नहीं करेगा ऐसे सचिन का कराए थे तीन का हाँ पटना में कराए थे बढ़िया था लेकिन वहाँ सबसे बढ़िया सुविधा है डॉक्टर बोलेगा तो ऑपरेट करवा लिया जाएगा अन्ना तो एक और कौन हॉस्पिटल में दिखा देना कैमरा में दिखाया हम ही लोग को हम लोग फोटो वोटो खींचे हैं अच्छा हम गए थे तो आपको भेजे हैं फोटो हम देख लेते हैं दे दो प्लीज राय भी ले लेते हैं ठीक हेलो हाँ पापा जी प्रणाम अच्छा अच्छा बोल के ऐसा रख देते थोड़ा देर में कट जाता है फोन कोई बात नहीं है ओके तो कैमरा ऑन ही था अभी ऑन कर दो सो गाइस मेरा कैमरा भी आधा हो गया था अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर शॉपिंग भी नहीं बोलेंगे मम्मी इतना जल्दी जल्दी में आई थी कि उनका कपड़ा आधा लाई आधा नहीं लाई है और सब साड़ी ही लाई है तो सूट नहीं पहन पा रही हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हर टाइम पूरे टाइम साड़ी पहनना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो मैं खुद बोल रही थी मम्मी आप सूट पहनिए तो मम्मी बोली कि नहीं लेके ही नहीं आया और तीन चार साड़ियाँ लेके आई थी तो मैंने साड़ियाँ तो दी बट ब्लाउज़ किसी की फ़िटिंग नहीं होगी तो मम्मी बोली नहीं 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 मैं नहीं पहनूंगी और उनकी ही साड़ियाँ मैंने दी तो बोली नहीं मैंने तुमको दे दिया तो अब मैं नहीं पहनूंगी उसको तो फिलहाल कोई बात नहीं है फिलहाल हम जा रहे हैं अभी बाहर और यहाँ पे है चुटकी और आके आपसे बात करेंगे कुछ ज़रूरी जो भी चीज़ें हैं कुछ बोलना चाहेंगी दांत तब इसको छोड़ के जा रहे हैं और जल्दी से आते घर के पास ही जा रहे हैं तो इस फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और देखते हैं कपड़े भी तो जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे डायरेक्ट लेडीज़ वाले डिपार्टमेंट में उसके बाद से हम लोग नीचे जब बिलिंग करेंगे तो यहाँ देख लेंगे हम मम्मी को बोलते मम्मी आपका लिपस्टिक नहीं जाता है इतने देर हम तो लगा चुके हैं दो बार तीन बार जब जब आए हाथ धोते हैं तभी लगाते हैं इनका वो मैट वाला है मेरा जो है वो जस्ट हर्ब टाइप वाला है इसीलिए नहीं जाता है गाइस फिलहाल आ चुके हैं घर पे और छुट्टी की यहाँ बैठी हुई है और अनुष्का लड्डू सब यहीं बैठे थे अभी जस्ट मैं आई हूँ और मैं खाना नहीं मैगी खा रही हूँ और चाय पियेंगे अभी और इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड कल सुबह क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे शायद पिक एंड ड्रॉप होगा कैब का या क्या है तो वो आपके साथ शेयर करेंगे जो भी जैसा हो और व्लॉग अभी तक के सारे ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि अब करंट के जो भी व्लॉग होंगे वो सब जाएंगे और जो जैसा रिकॉर्ड होगा वो वैसे ही शेयर होते जाएगा बहुत सारे लोग गेस कर चुके थे ईस्ट पॉइंट कॉलेज बिद्राहली के पास है तो हम लोग बिद्राहली में है तो मैं वहीं रहती हूँ तो हमारा घर भी इधर ही है हमारा नियरेस्ट है एक्चुअली जो एड्रेस है बैक साइड ऑफ ईस्ट पॉइंट कॉलेज है हमारा तो बैक साइड ऑफ ईस्ट पॉइंट कॉलेज बहुत कुछ है लेकिन हमारा भी उधर ही आसपास पड़ता है तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी बहुत सारे लोग आसपास के मैसेज के लिए भी मिलने के लिए भी मैसेज आ रहा है बट अभी माहौल नहीं है मिलने का तो कुछ टाइम बाद अभी मम्मी यहीं पर हैं कुछ टाइम के लिए देखते हैं पता नहीं क्या होता है प्लान लेकिन जैसे मम्मी से बात हुई है तो अभी रुकेंगी तो देखते हैं और जो जैसा होगा आपके साथ शेयर तो होगा ही और बस खूब सारे आप लोग जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल चुके होंगे तो अपना खूब सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दीजिएगा सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए अच्छे से और बाकी जैसा जो होगा हम लोग करेंगे लेकिन हाँ ऑपरेशन अभी हम लोग बिद्राहली में नहीं करा रहे हैं हम लोग बैंगलोर का वन ऑफ बेस्ट हॉस्पिटल है उसमें कराएँगे तो इस ब्लॉग को रहने देते हैं यहीं पे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इंस्टाग्राम की आईडी है सुची प्रदीप_जयसवाल तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में बाय टिल देन टेक केयर